बाय द वे मैंने ऑर्डर पे बनवाया था, ठीक है, इसके साथ लंडा बाजार बन गया है, बैग्स का लंडा बाजार बना हुआ है। ये छोटा सा मेरा सेटअप है, ठीक है। अम्मी जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अम्मी की फरमाइश पे मैं ज़्यादा बनाती हूँ वीडियोस। अम्मी जी मेरे बहुत शौक़ से देखती हैं। अम्मी पूरी वीडियो देखनी है और आपके लिए व्लॉग्स बनाती हूँ मैं, क्योंकि अम्मी कहती हैं कि तुम्हारा व्लॉग नहीं आया, तो ये अम्मी के लिए। हाँ, अम्मी एक और बात भी कहती हैं कि ये जो वीडियो के अंदर इतना करीब मुंह ना घुसाया करो, इतना करीब ना होके वीडियो बनाया करो, थोड़ा दूर से बनाया करो। और एक और बात भी अम्मी कहती हैं कि जो ड्रेस पहन के घूम के दिखाती हो ना, वो भी ना दिखाया करो। तो फिर मैं क्या करूँ अम्मी जी? अच्छा चलें, तो वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं भी अब हर व्लॉगर की तरह जो है अपने वीडियो का आगाज़ ही किया करूँगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए तो वीडियो बना रही हूँ, आपके सामने हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरा आज का व्लॉग है। आज क्या दिन है? आज दिन है ट्यूसडे, ठीक है, और ट्यूसडे था। आज मैं आपको अपनी रूटीन बताती हूँ। आज मैं सुबह सुबह उठी, मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने कुरान पढ़ा, फिर मैंने कुछ तस्बीहात की, फिर मतलब जो करते हैं। उसके बाद मैंने आज मैंने नाश्ता बनाया, फिर नाश्ता किया, फिर मैं स्कूल चली गई। आज स्कूल बहुत जल्दी लग गया था, 7:30 बजे लग गया था, तो स्कूल गई। स्कूल से मैं वो 2:30 बजे आई, इतनी देर से आई, फिर आकर मैं सो गई। बहुत नींद आ रही थी, तो दिन मेरा जो था ना आधा, वो ज़ाया हो गया, आधा दिन जो है ना सोने से। मैं फिर 5 बजे उठी हूँ, 5 बजे उठ के फिर असर की नमाज़ पढ़ी। असर नमाज़ के बाद मैंने अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश किया, चाय पी, फिर मैंने सोचा कि अब चलो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए एक वीडियो बनाती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ आज का। अच्छा, आज का व्लॉग कोई बहुत लंबा नहीं है, ठीक है, तो छोटा सा व्लॉग है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने अपने घर में, अपने कमरे में एक अपना छोटा सा सेटअप लगाया हुआ है, ठीक है। और उस सेटअप में मैं बैठ के वो जो दूसरे चैनल के लिए, क्योंकि वो रिकवर हो गया ना, तो मैं उसके लिए वीडियो बनाती हूँ, और अपने आर्ट चैनल के लिए भी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, तो वो उसके लिए भी मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, और मैं अपने दूसरे चैनल के लिए भी, और इस चैनल के लिए। तो जाहिर है कि ये थोड़ा रैंडम है, व्लॉग है, ये कुछ ऐसा है। बाय द वे व्लॉग आसान भी है और मुश्किल भी। आसान जब आप ये जहन में बिठा लेते हैं ना कि बस मुझे जो करना है वो दिखाना है, जो भी है दिखाया जाना है, तो बहुत आसान है, क्योंकि उसमें एडिट नहीं करनी पड़ती, उसमें आपको प्लान नहीं करना पड़ता, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, और बस आप अपने जो भी कर रहे हैं उसकी वीडियो बनाएं और डालते जाएँ, एक दिन आप कामयाब हो ही जाते हैं। तो मैंने भी कामयाबी का यही जो फार्मूला अप्लाई किया है, तो व्लॉग्स भी बनाने शुरू किए हैं, तो आप लोग मेरे व्लॉग्स भी देखते रहिएगा, ठीक है। और ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपना सेटअप, वो देखें आप लोग, ठीक। अच्छा जी, ये छोटा सा मेरा सेटअप है, ठीक है। आपको पता है कि ये जो है वो स्टैंड है, कौन सा स्टैंड होता है, ये ट्राईपॉड है, और ये मेरा टेबल चेयर है, और मैं इस पर बैठ के वीडियो बनाती हूँ। आजकल मैं इस पर बैठ के वीडियो बना रही हूँ। ये बाय द वे कंप्यूटर टेबल है, और ये जो है ना डाइनिंग टेबल की चेयर है। अभी मेरे पास कोई फैंसी चेयर नहीं है, और मैं इंशाल्लाह यूट्यूब की कमाई से ही लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये जो है मैं अभी वीडियो बनाकर हटी हूँ, आप वो वीडियो देखिएगा, उसके लिए मैंने इसके पैसे बनाए थे। ये मेरी स्केचबुक है, जिसके ऊपर मैं कुछ स्केच करती हूँ। यहीं पे क्रेप ब्रशेस और बाकी चीज़ें, और भी चीज़ें हैं, काफ़ी हैं, मगर वो मैंने दराज में रखी हुई हैं। अच्छा जी, ये कितना प्यारा सा मैंने यहाँ पे ये रखा, मुझे बहुत पसंद है। खैर, ओ इग्नोर दैट, वो मैं छुपा लेती हूँ अपने वीडियोज़ में, ठीक है। अच्छा जी, ये जो बुक मैंने यहाँ पर अभी क्यों रखी हुई, तलीमुल कुरान। इस बुक में ना टॉपिक होते हैं, टॉपिक वाइज आपको सारी आयात मिल जाती हैं, ठीक है। ये देखें, मैं आपको इसका ना टॉपिक दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें आपको टॉपिक वाइज जो है ना, ये देखें सारे जो है ना, ये इस टॉपिक के ऊपर जितनी भी आयात होंगी ना, वो आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। सपोज़ ये देखें, आरजुएं, ख्वाहिशें, जज्बात, और उसके ऊपर ये सारी आयात हैं जो अल्लाह ताला ने लिखी हैं। इस तरह ये देखें, जैसे दुआ, तो जितना भी इसके ऊपर आयात हैं वो सारी एक जगह पे आपको एक बुक में मिल जाती है, माशाल्लाह। और ये है जनाब मेरा छोटा सा सेटअप। इसके साथ मैं आपको ना एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखें, ये जो है ये मेरा कंसोल है, और ये कंसोल जो है ना, ये मेरा वो कहते हैं ना कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान को मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये इसमें मैंने बैग्स, जाय नमाज, ये देखें रिंग लाइट, अभी फ़िलहाल मैंने इसमें रखी हुई है। और इसके अलावा इसमें जितने भी मेरे बैग्स हैं ना, ये देखें कैनवास भी पड़े हैं। एक आर्टिस्ट बंदा यार कहाँ जाए, अगर उस आर्टिस्ट के पास
जगह ना हो तो कहाँ जाए वो। ये देखें मेरे बैग्स का कब्रिस्तान, इनको सबको मैंने निकाल के यहाँ रखा था, तो इनको मैंने सबको ऐसे कवर करना है। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये लंडा बाज़ार बन गया है, बैग्स का लंडा बाज़ार बना हुआ है। ठीक है, इसको मैं दोबारा सेट करती हूँ। और ये है जनाब मेरा, बाय द वे ये मैंने ऑर्डर पे बनवाया था, ठीक है, इसके साथ ऑर्डर पे बनवाया था। ये जो मेरा फर्नीचर है ना, इसकी भी मैं आपको किसी दिन स्टोरी सुनाऊंगी। ये फर्नीचर जो है वो मैंने खुद खुद बनाया, खुद डिज़ाइन किया था, तो मैं इसकी भी आप लोगों को स्टोरी किसी दिन बताऊंगी। आज हैं बन रहे हैं करेले, ठीक है, भरवे करेले हैं ये, भरवे करेले ये देखें, ये खाली करके धो के रख लिए हैं। और ये मैंने दाल भी डाली है, और अब मैं इनको इसका मसाला बनाकर भर के तल के खाऊंगी। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बाय द वे मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस आज का डिनर ये, और मैं उसकी वीडियो नहीं बना रही हूँ। और अब टाइम जनाब मगरिब का टाइम होने लगा है, मगरिब की अज़ान होने वाली है। और आज का दिन मैंने दो वीडियोस बनाई हैं, और एक वीडियो मैंने अपने निवा इंस्पिरेशन के लिए, एक इसके लिए। तो ये बेसिकली जो सेटअप लगाया है ना, ये मैंने आर्ट के, जो आर्ट की वीडियोस बनाने के लिए लगाया है, ताकि मैं कभी भी बैठूं और अपना आर्ट वर्क कर लूं। क्योंकि आर्टिस्ट बंदे के पास स्टूडियो ना हो तो ये उसके लिए बड़े दुख की बात होती है, और मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है। तो आई वॉन्ट टू पेंट बट आई डोंट हैव एनी स्टूडियो। तो आई होप कि मैं आर्ट की वीडियोस अब ज़्यादा से ज़्यादा डालूँ, क्योंकि आजकल मुझे पेंटिंग करने का भी बहुत शौक हुआ हुआ है, बहुत शौक हुआ हुआ है। तो अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।